हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम 1 से 1.5 साल बच्चे के वूलन फैब्रिक का एक कैप बनाएंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, 1 इंच का है, 1 स्क्वायर है। तो इसके लिए मैंने इस पर लाइनिंग लगाऊंगी। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से रख के इसको, और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और हम 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे, 1.5 से 2 इंच का हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से लेके। कटिंग हो गई है। हम इस तरह देखें, ये एरिया हमारा फ्रंट साइड में आएगा, ये हमारा बैक साइड में आएगा। तो हमें इस तरह से इसको स्टिच कर लेते हैं। हम इस तरह से 3 तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे राउंड पे इस तरह से कट लगा देते हैं ताकि इसमें सर्स नहीं आएंगे फिर सीधा करने पे। और इधर से फैब्रिक मोटा है थोड़ा, इसकी हम कटिंग करके निकाल देते हैं। तो हम सिर्फ इस तरह से इसके राउंड पे कट कर देते हैं, इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से किनारे पे एक सिलाई लगा लेते हैं। हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अब लगभग हम इसको 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब हम इसमें फिर बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। आप इसे सुई से भी कर सकते हैं, सुई धागा लेके इस तरह से सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे लगभग 12 इंच में तैयार करेंगे प्लेट्स लगा के। तो इस तरह से हम प्लेट्स लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये फ्रिल बना के रेडी कर दिया है। और इसका हम माप लेते हैं, 12.5 इंच पे आई है स्ट्रिप लिए मैंने एक। अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे इस तरह से, और इसे स्टिच कर लेते हैं। सर, हमने ये स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसको यहाँ इस तरह स्टिच कर देते हैं। देखिए, हमने इस तरह से इसको स्टिच कर दिया है। फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रिप ली है, एक 2.25 इंच चौड़ी है, 30 इंच। अब हम इसको इस तरह से यहाँ ये वाला एरिया हमारा, ये बैक साइड का एरिया, इस तरह से माप लेते हैं इसका 14 इंच। तो हमें पीछे का 10 या 11 इंच इतना रेडी रखना है। तो हम इसमें इस तरह से ये प्लेट्स डाल देंगे, एक दो प्लेट्स आएंगी वो डाल देंगे। तो हम इसमें ये सेंटर से इस तरह से फोल्ड करते हैं, लगभग 5-5.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। और हम इसे यहाँ पे यहाँ से रखेंगे इसे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको इसमें स्टिच कर दिया है। अब हम इसे यहाँ से ऐसे लेके इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे, और स्टिच करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैप बन के रेडी हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।